नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूँ आपके साथ पूजा। रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जब से नीतीश कुमार ने डॉक्टर राजवर्धन आजाद को बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है, तब से उपेंद्र कुशवाहा के तेवर और भी तल्ख हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिखा कि बिहार विधान परिषद की सदस्यता से मेरे इस्तीफा के कारण रिक्त पद पर नए मनोनयन के बाद संभवतः जदयू के मेरे उन मित्रों का भ्रम टूट ही गया होगा जिनको गलतफहमी हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा के कारण उनकी हकमारी हो गई या हो रही थी। अब क्या हुआ, अब तो उपेंद्र कुशवाहा आपके रास्ते में बाधक नहीं था, फिर कहां अटक गया, आप तो हाथ पसारे ही रह गए। उन्होंने जदयू की तुलना भैंस और राजद की तुलना पानी से करते हुए कहा कि अरे भाई, अब तो पूरी भैंसी है गई पानी में, किनारे बैठकर पानी छपछपाते रहिए, आपकी मर्जी। यदि आपकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है तो भगवान भला करे। उन्होंने तंज कसते हुए आगे एक शेर भी लिखा, न समझोगे तो मिट जाओगे, ए मेरे मित्रों तेरी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। दरअसल जदयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद के सदस्य का पद भी छोड़ दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से ये पद खाली पड़ा हुआ था। माना जा रहा था कि जदयू के किसी नेता को विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने सभी को चौंकाते हुए बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे डॉक्टर राजवर्धन आजाद को मनोनीत किया। इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू नेताओं पर तंज कसा है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।